अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्टिव फाइनेंस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बाबर। आज की इस वीडियो का टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग से है, जिसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। सो ये बहुत बेनिफिशियल सीरीज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, FPSC या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जितने भी MCQs हैं वो कंपाइल किए गए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस पेपर से। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो है, मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स परचेज, स्टोर एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। डी ऑप्शन करेक्ट है। मटेरियल रिक्विजिशन इज मीन्ट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टॉक कंट्रोल थ्रू स्टॉक लेवल्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, थर्ड का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल एम्स एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट्स ऑन सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ मटेरियल इज ABC एनालिसिस। डी ऑप्शन करेक्ट है। इन बेस स्टॉक मेथड ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इश्यूज द टर्म बेस स्टॉक रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बीइंग इश्यूड मिनिमम स्टॉक। बी ऑप्शन इज राइट। स्क्रैप इज रेजिडुअल मटेरियल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मटेरियल इज इश्यूड बाय स्टोर कीपर अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन। ए ऑप्शन 7 का करेक्ट है। द डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल इज गुड्स रिसीव्ड नोट। बी ऑप्शन करेक्ट है। लॉस बाय फायर is an example of abnormal loss. B option इसका correct है। Question number 10. Taking steps for fresh purchase of stocks which have been exhausted and for which requisitions are to be honored in future is an easy explanation of replenishment of stock. C option करेक्ट है। अ स्टोर लेजर कार्ड इज सिमिलर टू बिन कार्ड। बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोल अ लिटिल क्वांटिटी विल बी एवोपरेटेड सच काइंड ऑफ लॉस इज टर्म्ड एज नॉर्मल लॉस। ए ऑप्शन इज राइट। लीड टाइम is the time gap between ordering and receiving of inventories. B option iska correct hai. Which of the following is not the assumption of EOQ? So A, per unit holding cost is fixed, per order cost is fixed, annual demand is fixed. So ye sab jo hai wo assumption hai EOQ ki. इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। EOQ इज अ पॉइंट वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 8000 यूनिट्स, कंजम्पशन पर वीक इज 110 यूनिट्स, यूनिट प्राइस इज 5, ऑर्डर कॉस्ट ₹10 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट is ₹1 per unit and lead time is 4 week. Find EOQ, economic order quantity. So iska correct option hai D based on this calculation. If opening inventory of material is ₹20,000 and closing inventory is ₹40,000, the average inventory amount will be, so based on this calculation option number B is right, 30,000 will be average inventory amount. Question number 18. Formula to calculate material or inventory turnover ratio is material consumed or cost of goods sold
डिवाइड एवरेज इन्वेंट्री, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, एबीसी कंपनी हैज ऑर्डरिंग क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स, दे हैव स्टोर कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स, द एवरेज इन्वेंट्री फॉर स्टोरेज वुड बी। सो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, द डेंजर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई लीड टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाइज, ए ऑप्शन इज राइट। 21 क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल डज नॉट कंसीडर ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिसएडवांटेज ऑफ ओवर स्टॉकिंग, सो स्पॉइलिंग भी हो सकती है, फंड्स ब्लॉकेज भी होगी, स्टोरेज कॉस्ट, मतलब ऑल ये ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री, तो इसका फार्मूला जो है वो है ई ओ क्यू डिवाइड टू प्लस सेफ्टी स्टॉक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी, टू शेड्यूल प्रोडक्शन प्लान्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, यूसुफ एंड कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम इन इन्वेंट्री कंट्रोल, आई ई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री प्रोडक्शन डिले ड्यू टू इन्वेंट्री शॉर्टेज एंड इन्वेंट्री कीपिंग कॉस्ट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, व्हाट टेक्निक शैल बी सुटेबल फॉर कंपनी टू फॉलो, सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो उनको अडॉप्ट करना चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डी ऑप्शन इज राइट। 27 क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, सो इसका करेक्ट जो फार्मूला है वो है ए मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम, ए ऑप्शन इज राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सो सेफ्टी स्टॉक का पर्पस जो है वो है ए टू अवॉइड द रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक ऑन डिमांड बाय कस्टमर, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक, इसका फार्मूला है मैक्सिमम यूजेज माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई लीड टाइम, सो इसका सी ऑप्शन राइट है। 30 क्वेश्चन, एबीसी प्लान इज यूज्ड फॉर, सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल्स बेस्ड अपॉन कॉस्ट, डी ऑप्शन इज राइट। फार्मूला टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक इज, सो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 32, फार्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक इज, 32 का करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम प्लस ई ओ क्यू। 33, फार्मूला टू कैलकुलेट मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक इज बी, ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम, सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सो ये थे आज की इस वीडियो के क्वेश्चन, अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।